इस समय का क्विक सिंगल है एक्सिस बैंक, यहां पर तेजी है, ब्रेकआउट है, ट्रेड करा है 1066। मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए करीब, यस स्टॉप लगाना चाहिए 1060 का, 6 रुपए का टारगेट 1080 प्लस। यस एक्सिस बैंक। सचिन जुड़े हमारे साथ पैनल में। सचिन गुड मॉर्निंग। सचिन आपके पिक। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। यहाँ पर चंबल फर्टिलाइजर में एक शानदार तेजी है, इनफैक्ट पिछले एक हफ्ते से ये पर्टिकुलर तेजी बरकरार है, एंड प्लस एक इम्पॉर्टेंट क्लस्टर रेजिस्टेंस था 380-385 का, वो इसने काफी कॉन्फिडेंटली पार किया है, तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम 400 तक एक्सटेंड होना चाहिए, जहाँ पर इसके 52 वो एक हाई टेस्ट है, तो खरीदारी करनी है चंबल फर्टिलाइजर फ्यूचर्स में, एंड स्टॉप लॉस आपको 385-30 के आसपास लगाना है। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 390-250 का, पोजीशन ही मुझे लग रहा है 400 तक की रैली एक्सटेंड हो सकती है। ओके चंबल फर्टिलाइजर साहब का ट्रेड 388-16 पे स्क्रीन पे कॉल गई थी। मानस आपका ट्रेड क्या रहेगा? मानस अभी आप म्यूट हैं, अब प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। माफ करिएगा। तो वीरेंद्र जी, पिटलाइट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक करेक्ट हुआ था 50 डे मूविंग एवरेज पे, स्टॉक ने सपोर्ट लिया, कल थोड़ा स्ट्रगल किया 20 डे मूविंग एवरेज के अराउंड, लेकिन आज तो कंफर्टेबली 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो पिटलाइट में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 2939 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं, और अपने जो नया टारगेट होगा पिटलाइट के लिए वो 3000 का होगा। ऑप्शन में कॉल नहीं है क्योंकि वहां पर लिक्विडिटी मई मंथ में नहीं दिख रही है। नए मंथ में अभी यानी मई में लिक्विडिटी नहीं है, तो ऑप्शंस रिकमेंडेशन नहीं है, आपको फ्यूचर्स से इसको प्ले करना पड़ेगा। राजेश सतपुते जी गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी देखिए, मेरी नजर है टोरेंट फार्मा पे, मुझे लगता है इट्स ऑन द वर्ज ऑफ बिग ब्रेकआउट, और जिस तरह से ये पैटर्न पैन आउट हो रहा है, इसका जो टारगेट हो रहा है वो 2720 से लेकर 2760, तो 2720 पहला टारगेट, 2760 दूसरा टारगेट, तो इट्स अ बाय इन टोरेंट फार्मा। स्टॉप लॉस जो होगा वो रहेगा 2630 का। चलिए प्रशांत जी आपकी ट्रेड। अनुज जी, कल आफ्टरनून सेशन में मैंने ACC रेकमेंड किया था, जिसके इनिशियल टारगेट्स हिट हो चुके हैं, मैं इसको फिर से रेकमेंड करूंगा, अभी और स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अभी जो स्टॉप लॉस रखेंगे करीबन 2510 पे ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लॉस रखेंगे 2470, और यहां से टारगेट रखेंगे अभी 2600 का, 2600 का। आशीष जी आपकी ट्रेड क्या रहेगी? आशीष बेहती जी जी, SRF पे खरीदारी की सलाह रहेगी। कल के एक अच्छे मोमेंटम के साथ बाद आज वापस इसमें फॉलो थ्रू बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है, तो खरीदारी की जा सकती है इसमें। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 2590 का SL मेंटेन करे, 2690 के फर्स्ट टारगेट, 2720 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।